तो गाइस कैसे सब लोग। तो वैसे आ गए एक और हमारी स्कार फॉल की वीडियो लेकर गाइस। और ये देखो गाइस हमारे लॉबी क्या भरी भरी लग रही है, क्योंकि यार हमारे जो गेम है उसके अंदर अब रियल बंदे आने चालू हो गए हैं और बहुत ही मज़ा आता है यार गेम में। तो चलो गाइस बढ़ते हैं हमारे गेम प्ले की तरफ। तो मैं आ गया गाइस हमेशा की तरह इस जगह नहीं गाइस, मतलब नई जगह है। तो यहाँ पे बहुत सारे पहले पहले क्या करते गाइस, सबके सब बंदे पहले पहले उतर जाते हैं प्लेन में। तो मैं तो जा रहा था हमारी कोचिंग की वाली जगह पे, पर वहाँ पे कई बंदे आते ही नहीं हैं। तो मैंने सोचा चलो हम भी पहले उतर जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे साथ भी दो बंदे यहाँ पे उतर ही जाते हैं। पर अब देखो क्या होता है। तो यहाँ पे मेरे जो एमओ है वो मैंने लॉबी ख़त्म कर दी थी मार के। तो यहाँ पे मैं जल्दी से कर लेता हूँ गाइस, लूट कर लेता हूँ और अच्छी गन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फार्मस है मेरे पास और एक गोली यार है। तो ये दोनों गन लेके मैं जल्दी से अभी यहाँ पे लूट कर लेता हूँ। और इनकी गोलियाँ भी बहुत कम थी मेरे पास एमओ, तो उससे क्या होता है कि जो बहुत ही दिक्कत होती है फिर आगे जाके, क्योंकि एमओ बहुत लगती है। तो कभी कोई बंदा कार लेके आ जाता है तो बहुत सारी एमओ उसी में उसकी कार भरने में वेस्ट हो जाती है। इसलिए मैं अच्छे से एमओ पहले से कलेक्ट कर लेता हूँ। और हमारे गेम में गए जब रियल बंदे आने लगे तो थोड़ा कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया है और बहुत ही मज़ा आता है इस गेम खेलने में। तो ऑनलाइन मोड में तो हम तो गाइज मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे दिखता है कि इस बंदा तो अब इसे मारने बढ़ती है और यहाँ पे गाइस मेरा एकदम गंदा वाला लैग हो जाता है। तो यहाँ पे मैं जैसे तैसे इस बंदे को निपटाया था। और यहाँ पे दो बंदे आए थे तो एक बंदा क्या करता है कि ये जो बंदा है ये दूसरे वाले बंदे को मार देता है। तो अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, क्योंकि गाइस मेरा लैग हो गया था गंदा वाला, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। तो उसके बाद गाइस मैं आ जाता हूँ इस वाले हमारे पुराने वाले बंदे को लूटने के लिए, जिसने कि हमें मारने की कोशिश की थी तो मैंने उसको निपटा दिया था। तो इसके पास तो गाइस एमओ ही नहीं होती, इसलिए शायद वो मुझे मार नहीं पाया। तो कोई बात नहीं, तो मैं निकल जाता हूँ गाइस वापस से। और गाइस तभी मुझे पीछे से एकदम गंदी वाली पड़ती है। तो मैं देखता हूँ गाइस कहाँ है बंदा, तो मुझे दिखाई नहीं देता। और गाइस वो यहाँ पे मैं उससे थोड़ा सा देखने की कोशिश करता हूँ टीपी पे लेके, पर यहाँ पे कैसे वो बंदा मिलता ही नहीं। मैंने सोचा चलो विंडो से देख ले, तो विंडो से भी मिलता नहीं। और फिर मैंने इधर से आगे थोड़ा देखने की कोशिश की, पर ये बंदा कैसे होता है यहाँ पे, और ये शायद बोट ही था। पर ये बंदा आ रहा था इधर से, तो क्या पता कैसे वो बंदा उधर से चला गया हो या क्या। तो मुझे लास्ट तक भी मिलता ही नहीं है। तो मैं आ जाता हूँ कैसे इधर, तो इधर का जोन निकल गया होता है, मतलब जोन बन गया होता है। तो यहाँ पे अब मुझे दिखता है कैसे हेलीकॉप्टर। तो मुझे लग गया था, समझ गया था कि कैसे यहाँ पे होंगे कैसे बंदे, क्योंकि हेलीकॉप्टर तो यार रियल बंदे चला सकते, बोट तो नहीं चला सकते। तो मैं आ जाता हूँ कैसे यहाँ पे, और यहाँ पे कैसे मुझे अब देखना कितने सही वाले पुष्टे वाले वाले। पर थोड़ा सा गलत ही सीन हो जाता है यहाँ पे, मतलब मैं जैसे आता हूँ तो कहीं जो बंदे शायद चले जाते हैं या क्या होता है क्या पता। तो यहाँ पे कहीं जो मुझे मिलते ही, मैंने सोचा कहीं जो ऊपर होंगे क्योंकि पुष्टे से तो ऐसा ही लग रहा था, पर शायद वो जंप करके निकल गए क्योंकि जोन भी आने वाला था और उनको जो हेलीकॉप्टर था वो शायद वो लेने की सोच रहे थे। पर यहाँ पे मैं सोचता हूँ ग्रेनेड फेंकेंगे और ऊपर ही होंगे, पर मैं जैसे सोचता हूँ पर वो उनका जो पुष्टे पर थोड़े ऊपर ही आने लगते। तो मैंने सोचा चलो पहले टीपी पे लेके उनको देख ले। तो मैं आराम आराम से ऊपर जाता हूँ गाइज। और यहाँ पे आप मैं जैसे ही जाता हूँ तो आप देखो ये मेरा मुंह के साथ सही लग रहा है जो मुझे मिला है गाइज, तो ये छोड़ो अभी। तो मैं आ जाता हूँ गाइज यहाँ पे थोड़ा सामने, और जैसे ही गाइज मैं अभी ऊपर बढ़ता हूँ तो आप देख सकते हैं गाइज वो बंदे शायद ऐसे चले जाते हैं और यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं देते, मतलब किधर ही चले गए शायद वो बंदे, क्या पता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर तो उनका नीचे ही, तो शायद वो दौड़ के ही चले गए शायद, तो कोई दिक्कत होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे उनको ढूंढने की कोशिश करता हूँ, पर यहाँ पे गाइज मुझे मिलते नहीं। तो मैं क्या करता हूँ सीधा यहाँ से नीचे भी जंप लगा लेता हूँ। और मैंने सोचा वो नीचे होंगे तो हम उनको मार सकेंगे, पर यहाँ पे कहीं मुझे उनके कोई फुटस्टेप नहीं आते और मुझे उनको जो पकड़ने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मतलब दिखाई नहीं दे रहे तो अब कैसे मारे, उनको फुटस्टेप भी नहीं आ रहे। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो छोड़ो यहाँ से अभी निकल जाते हैं, तो यहाँ पे तो कोई थेड़ के फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी जोन भी आने वाला था बाहर से। तो मैं यहाँ थोड़ा सा फायर कर देता हूँ, मैंने सोचा कहाँ छुपे होंगे तो बाहर निकल आएंगे, तो वो तो कोई आते नहीं। तो मैं आ जाता हूँ इस हेलीकॉप्टर पर, तो मैंने यहाँ जैसे आता हूँ तो इनका जो फ्यूल है वो ख़त्म हो चुका होता है, इसलिए शायद वो हेलीकॉप्टर लेकिन नहीं गए। तो यहाँ पे मैं फ्यूल कैन भर देता हूँ मेरे, और मैं निकल जाता हूँ गाइस हमारा ये जो इन बंदों का जो हेलीकॉप्टर होता है वो लेके। तो मैंने सोचा ऊपर से वो दिखाई देंगे जल्दी से, पर वो भी दिखाई नहीं देते। तो मैं आ जाता हूँ गाइस जो हमारा ड्रॉप है यहाँ पे, और यहाँ पे गाइस मुझे बोट दिखाई देता है, तो मतलब इसे मारने की बारी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा वो बंदा, और यहाँ पे मैं इसके सीधे हेड पे एम करता हूँ और इसे भी कर देता हूँ खत्म। तो ये तो बोट ही था, इसे तो छोड़ो अभी। यहाँ से मैं जल्दी से ड्रॉप लूटता हूँ और ड्रॉप के अंदर अच्छे से हेलमेट वेस्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे तो हेलमेट वेस्ट होती नहीं, पर यहाँ पे गाइस मुझे मिल जाती है स्नाइपर, तो मैं वो जल्दी से उठा लेता हूँ। और स्नाइपर उठा के अब थोड़े से गाइस आपको जो स्नाइपर शॉट है वो भी देख रहे हो मेरे, क्योंकि अभी बंदे भी बहुत ही कम बचे यार, क्योंकि बंदे तो यार आधे जोन से मर जाते हैं और आधे बोट ही होते हैं। तो थोड़ा फिर भी सही यार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बंदे खत्म हो चुके थे और थोड़े से बंदे बचे हुए थे जो कि 11 थे, उसमें से गाइस एक बंदा होता है ऊपर, शायद ये बोट ही था क्योंकि मैं कब से गाइस मुझे इसके फुटस्टेप आ रहे थे। पर ये जो था होता है गाइस ये होता है इस वेयर हाउस के ऊपर, तो मुझे लगा गाइस इधर नीचे होगा। मैं जैसे बाहर देखने के लिए आता हूँ तो वो बंदा गाइस दिखाई देता है मुझे ऊपर, और यहाँ पे गाइस जो हमारा रेड जोन है वो भी स्टार्ट हो चुका होता है। तो यहाँ पे ये रहता है गाइस वो बंदा, तो अब इसे मारने की बारी थी, तो यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ खत्म। तो ये खत्म होने के बाद जो हमारा हेलीकॉप्टर है गाइस वो तो यही फंस जाता है, क्योंकि मैं सीधा इसको अंदर लेके आ जाता हूँ। तो अभी
इससे निकल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मैं आ जाता हूँ गाइस यहाँ पे, और यहाँ पे गाइस आपको मिलेगा स्नाइपर शॉट देखने के लिए। तो मुझे दिखता है गाइस सामने बंदा, और यहाँ पे बारी थी उसे मारने की, और यहाँ पे मैं उसे एक शॉट में कर देता हूँ ख़त्म। और गाइस इस अब तो गाइस 1v2 का भी मज़ा आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैं जैसे ही यहाँ पे आता हूँ गाइस तो मुझे दिखता है कि सब रियल बंदे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो आ गए, और ये गाइस एकदम ही रियल थे। तो यहाँ से जो पहला बंदा था तो ये इसको तो मैं जल्दी से निपटा देता हूँ, पर दूसरा बंदा है वो लेट से जंप करता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा रिलोड भी आ जाता है, पर इसे भी गाइस मैं कर देता हूँ जैसे तैसे ख़त्म। तो ये वाला गाइस आपको सीन पसंद आया तो जल्दी से यार लाइक कर दो अभी तक वीडियो को किया नहीं, और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। तो यहाँ पे जो आप इनके क्रिएट पे से नाम से भी देख सकते हो जो कि रियल बंदे थे, पर थोड़ा सा कम डैमेज दे पाए, शायद पहले पहले ये भी खेल रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों रियल बंदे थे, तो एक को तो अचानक ही निपटा दिया, तो उसे मारने का कोई चांस ही नहीं मिला, पर दूसरे ने अच्छे से मारने की कोशिश की, तो मज़ा आ गया गाइस मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम ही सही मुझे यहाँ पे कंपटीशन मिली, मतलब अच्छे बंदे थे यार ये, तो इनको मैं मार देता हूँ और जल्दी से हील कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे हेल्थ भी आप देख सकते हैं बहुत ही कम करी थी, मतलब थोड़ी कम करी थी, 80-70% तक चली गई थी। पर जो लास्ट वाला बंदा है गाइस वो मुझे मिलता ही नहीं, मैं इतना ढूंढता हूँ गाइस, तो फाइनली गाइस हो जाता है गाइस सुपर डुपर रॉक एंड रोल। मैं आ जाता हूँ इस वाले हेलीकॉप्टर के पास, मैंने सोचा हेलीकॉप्टर लेकर फिर से ढूंढेंगे, पर गाइस बंदा मिलता ही नहीं, तो क्या ही करें। तो यही था गाइस आज के वीडियो में, तो वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में।